वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये वही UTL का इन्वर्टर है। इसका सोलर कार्ड ख़राब था, वो तो चेंज कर दिया है। अभी फ़ैन भी ख़राब है इसका, ये खोलने लग रहे हैं। अभी देखते हैं फ़ैन कैसे ठीक करते हैं, क्योंकि सोलर वाले UPS में फ़ैन चलना ज़रूरी होता है। अभी ये पीछे से खुलेगा, चार पेंच दे रखे हैं इसके फ़ैन में। खोल भाई जल्दी से। ये कार्ड चेंज किया अभी इसका सोलर वाला, सोलर तो काम कर गया इसका। एम्पेयर आ गए हैं, एम्पेयर कितने आए हुए हैं ये भी दिखा देते हैं। ये 25 एम्पेयर से चार्ज करने लग रहा है SPV, 25.7 एम्पेयर। और चार्जिंग में फ़ैन चलना चाहिए था, लेकिन फ़ैन नहीं चला इसका, फ़ैन जाम हो रखा है। निकाल लिया, ऊपर निकाल ले। अभी इसकी ये उतार दे सील, पर्ची ही इसके नीचे सील है, उसमें ऑयल डालना पड़ेगा थोड़ा सा। चिमटी किला उतार रही है, सील निकल गई। सील ध्यान से रखिए, दोबारा लगानी है यार। ये रखी, अब इसमें तेल देगा थोड़ा, वो कर दिए इसने, रवा कर दिया मतलब घुमा का आधा किला। अब इसमें ऑयल डाल दे, और ऑयल डाल के घुमा दे इसने। अभी वो ना लगा ये सील, ऊपर गुट्ठा लगा के इसने घुमा पूरा। हाँ नीचे तक, हो या फ्री है। ये मैंने उल्टा झटका दे, दोबारा तेल डाले भी इसमें, इस तेल ने निकाल दे उल्टा करके। फिर दोबारा नया तेल डालो, और ये फिर गुट्ठा लगा के ऐसे ही घुमा। ये वो सील लगा दे, बस बस सील लगा दे, हो गया फ्री। सील लगा दे सील। लगी जैक लगा, नुके नु माड़े इसका जैक है। दिखा मेरे को, दिखा, इन्हें काट लेना है। कटे नहीं है पूरा, एक मिनट। चल गया हाई स्पीड। अभी फैन इसका ऑन हो गया अच्छी तरह, अब ये गर्म नहीं होएगा और ठीक ठाक वर्किंग करेगा, वहाँ पे फिट हो जाएगा। वो इसके अंदर क्यों मारा है दूड़ा, अभी बस इन्हें फिट कर, जैक हटा के इसका, जैक हटा लिया आता फिट कर। और भाई एक बात का ध्यान रखना होता है इसमें, फ़ैन कई बार हम खोल के उल्टा लगा देते हैं। ये जो पंखड़ी है, ये पंखड़ी अंदर की साइड होनी चाहिए, हवा का जो प्रेशर वो बाहर जाना चाहिए, वेंटिलेशन बाहर होएगा इसका तो सही वर्क करेगा। अगर अंदर की साइड लगा दिया तो काम नहीं करेगा, फ़ैन तो चलेगा लेकिन गर्मता रहेगा। तो फ़ैन को जैसे निकाल ले वैसे ही डाल लें।